देश भर में स्वच्छता अभियान पर जोर दिया है। इस अभियान पर करोड़ों रुपए भी पानी की तरह खर्च गए हैं, लेकिन अगर फिर भी स्वच्छता न दिखे तो इस अभियान पर सवाल उठने लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के हापुड़ की, जहां गांव हशपुरा में इन दिनों स्वच्छता अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गांव में लगे गंदगी के ढेर चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि गांव में स्वच्छता अभियान को पलीता लग चुका है। वहीं ग्रामीणों की माने तो गांव में सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इतना ही नहीं शिकायत करने पर भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। गांव में गंदगी के कारण गंभीर बीमारियों के फैलने का डर लोगों को सता रहा है। क्या मामला है? मेरा नाम हरवीर सिंह, सनम मुलायम सिंह, गांव हसोपुर, जिला हापुड़, तहसील गढ़मुक्तेश्वर। हमारे मोहल्ले में गंदगी इतनी हो रही है कि यहाँ मच्छरों का प्रकोप इतना, बीमारी फैल रही है। गंदगी आपको दिख भी रही होगी, सिकट्टी जो है इधर नापतोल करके ले गया और वो ये कहता है कि ये जो तीन घर है मोहल्ले वाले, इनका जो है ये नाली नहीं उठ सकती क्योंकि ये हापुड़ जिले में ही नहीं आते। अब सिकट्री साहब से हमें ये पूछना, हमें ये बता जाओ अब वोटिंग पढ़नी है, हम हापुड़ जिले में वोट डालें या बुलंदशहर में डालें या मेरठ जिले में डालें, ये सिकट्री हमें आके बताए। अपनी खान आपूर्ति ऑफिस में बैठ कर ना करे, नापतोल करके हमारे इस खरंजी की ले गया, ना नाली बनवा रहा ना खरंजा उठवा रहा, अपनी मनमानी वहाँ करता है। हमारे मोहल्ले में पड़ रही है झील। तो शिकायत भी करी है आपने? शिकायत भी हमने हापुड़ कर दी, डीएम के यहाँ कर दी, एसडीएम के यहाँ कर दी, लेकिन उनकी रद्दी खाने में पड़ जाती है, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा। झोड़पा वेद कब्जा सेक्रेटरी प्रधान गांव का, और जिन्होंने कब्जा कर रखा वो एक ही चट्टे बट्टे की थैली है, एक ही कुटम है, उस पर वेद कब्जा भी नहीं हटवा रहा प्रधान, जबकि इन पर नोटिस आ चुके हैं। अच्छा, प्रधान पर नोटिस आ गया?